के साथ ग्रे को कटेला है। हाँ ये ग्रे ही है, जावा भी भाई एकदम मस्त लगती है, एकदम प्योर वाइट देखो कितनी सुंदर है यार ये, एकदम मतलब बिल्कुल सफ़ेद चिट्टा है बिल्कुल। गाइस हम पहुंच चुके हैं मेरठ की बर्ड मार्केट के अंदर। तो भाई इस साइड देख लो मेरे काला है और इस साइड देख लो मेरे बर्ड है। उसने बोला कि इनके जो है ना मैं बाजू मोड़ कर दे देता हूँ, इससे कि जो है ना इसको मतलब ये जो है ना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी आपको, नहीं तो उड़ जाएगी। तो भाई देख लो यार मुझे तो डर भी लग रहा था। भाई ये अपनी लव बर्ड है, मुझे इनका नाम नहीं पता कौन सी लव बर्ड है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई YouTube वीडियो में। आई होप गाइज आप सभी एकदम ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सुबह के 10:30 बजे। तो गाइज आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज तुम्हारा भाई बर्ड मार्केट जा रहा है मेरठ बर्ड लेने के लिए। यार जो मेरी अपने पास जो था एक ही फीमेल बची थी, मतलब मैंने एक दो जनों को दिखाई, सबने उसको फीमेल बताया। तो गाइज हम जो है ना एक मेल लेने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए गाइज चलते हैं। यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ कम से कम 2 या 3 महीने में। तो चलो गाइज चलते हैं अपने नए फैमिली मेम्बर को लेने के लिए। यहाँ पर जावा फिंच भी है, पता नहीं फिंच बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, मुझे तो इनका नाम इतने अच्छे तरीके से पता नहीं। और भाई सभी तरह के केजेस में मिल जाते हैं यहाँ पर। ये देखो इनका नाम मुझे नहीं पता, और एक ये है फिंच और एक ये है भाई नंबर। बजी निकाल दें गाइस हम पहुंच चुके हैं मेरठ के बर्ड मार्केट के अंदर। तो भाई इस साइड देख लो मेरे काला है और इस साइड देख लो मेरे बर्ड्स है। तो भाई यहाँ पर चारों तरफ मेरे बर्ड्स ही बर्ड्स है, देखो एक तो येरी बर्ड्स और उधर केज रखे हैं, और भाई उधर देखो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम बर्ड्स के हेवन के अंदर आ गया। ये देख लो भाई चेक करो आप, यहाँ पर जो है ना मतलब 6-7 तरह की नहीं 8-9 तरह की बर्ड्स हैं भाई। एक तो बजीज हो गई और भाई एक दो के तो मुझे नाम ही नहीं पता, और इसके अंदर कोका टेल भी है और लव बर्ड्स भी है। तो भाई एक इसके अंदर ये है, इसका मुझे नाम नहीं पता, अभी भैया आ रहे हैं वो नाम बताएंगे सबके। ये तो कोका टेल है यार, कोका टेल को तो मतलब सभी जानते हैं, मुझे तो पता है भाई इसका नाम बहुत ही पहले से पता है। एक तो ये है वाइट, इसको तो शायद अल्पिनो कोका टेल बोलते हैं, और ये शायद ग्रे कोका टेल है। हाँ ये ग्रे ही है, और ये भाई अपनी जावा है, जावा भी भाई एकदम मस्त लगती है, एकदम प्योर वाइट देखो कितनी सुंदर है यार ये, एकदम मतलब बिल्कुल सफ़ेद चिट्टा है बिल्कुल। और ये अपनी फिंचेस हैं, और भाई ये अपनी लव बर्ड है, मुझे इनका नाम नहीं पता कौन सी लव बर्ड है। बाकी जो है ना लव बर्ड के अंदर भी मतलब मुझे तो लगता है शायद बहुत सारी वैरायटी आती है इसके अंदर भी अलग अलग तरह की। और ये भी साइड साथ अपनी फिंचेस हैं, और ये अपनी बजीज आ गई भाई देख लो कितने सारे बड़े पड़ी हैं एक पिंजरे के अंदर। भाई यहाँ पर जो है ना छोटे से लेकर बड़े पिंजरे सारे के सारे मिलते हैं, मतलब आपको जो है ये हैंडमेड भी मिल जाएंगे इनके पास, ये तो हैंडमेड है, और वे जो हैं वे अपने मोटन वाले हैं। तो यहाँ पर देखो रैबिट भी है,
के अंदर भाई ये वाले केज भी मिलते हैं इनके पास, ट्रे वाले देख लो। वैसे मुझे जो है ना ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाले जो होते हैं ये वाले मजबूत होते हैं। आप जैसे आप मतलब इनके अंदर आप 25 को तो रख सकते हो। कोका टेल मुझे लगता है यार ये जब आपसे मतलब आप इनको घर पे ले जाओगे थोड़े शैतान से हो जाते हैं ना, फिर ये मतलब इनके ऊपर चोंच वोच मारने लगते हैं इन वालों के अंदर। तो बाकी मैंने एक दो केस देखे हैं, इन्होंने ये वाली जाली भी काट दी थी कोका टेल में। बाकी अगर आप रखना चाहो तो इनके अंदर रख सकते हो, लेकिन हैंडमेड ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। जैसे ये वाला नीचे वाला केज, बस इसके अंदर ये फ़ायदा होता है भाई, इसके अंदर नीचे ट्रे होती है, आपको मतलब गंदगी वंदगी नहीं होती। अब इसके अंदर जैसे आप है नीचे गंदगी हो जाएगी और इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ट्रे है। ट्रे को आप निकाल लो, साफ कर दो, एकदम बढ़िया है, बिल्कुल ईजी क्लीन है। तो गाइस ये भी है भाई, ये जो है मतलब ये वाले जो है वे थोड़ा छोटा साइज़ है, मतलब भैया बता रहे थे वो थोड़ा छोटा साइज़ है, और इनका अडल्ट साइज़ है, मतलब ये बिल्कुल अडल्ट है, बड़े बिल्कुल। तो भाई हमें जो है ना इसके अंदर से एक मतलब एक मेल पसंद आया था, क्योंकि हमारे पास फीमेल तो पहले से थी, तो भाई हमने वो मेल ले लिया, वो उन्होंने अलग ले जाकर रख दिया। तो हम जब जाएंगे ना तो उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। सो फाइनली गाइस घर पर पहुंच चुके हम, और भाई हालत देख लो यार, चेहरा देख लो कितना काला हो गया, मतलब शरीर पर जो है ना 1 किलो रेत चढ़ गया यार। सुबह के निकले हुए हैं घर से घर से, और अभी जो है ना 1:30 बज रहा है, देख लो यार एक बड के चक्कर में इतना टाइम लग गया। मैं जो है ना आपको बड दिखाता हूँ उसने कैसे कर कर रखी है, देख लो भाई। इसने पता नहीं क्या बोला, मतलब उसने बोला कि इनके जो है ना मैं बाजू मोड़ कर दे देता हूँ आपको, जिससे कि जो है ना इसको मतलब ये जो है ना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी आपको, नहीं तो उड़ जाएगी। तो भाई देख लो यार, मुझे तो डर भी लग रहा था पहले जैसे उन्होंने कराना एकदम से, मैं सोच रहा यार ये ले भैया इसका तो खो के दिखा काम तो, लेकिन सही है एकदम। तो इसको जो है ना गाइस अब इसके अंदर छोड़ देते हैं, इसको आराम से निकाल लेता हूँ। काट रहा यार ये तो, अरे 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 आराम से यार, कहते काट मत, देखो ये रहा, काट मत भाई, काट मत, काट रहा है पागल सा। तो गाइस खोल दी इसकी बाजू, और भाई कलर देखो इसका, मतलब एकदम डार्क कलर है भाई, बहुत मुश्किल में मिला है, मतलब बहुत सारे बजीज देखे उसके बाद इसे चूज़ करा भाई, एकदम मतलब एकदम हेल्दी है, बर्ड है। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने बताया मुझे, सब्सक्राइबर का मेरा भाई है वो, उसने बताया भाई, मैंने उससे मतलब बहुत सारे फोटो भेजे, उसने चूज़ करा कि भाई ये वाला लो, भाई देखो कितना शानदार है एकदम, मतलब एकदम प्रॉपर कलर है, ना कहीं से कलर फेड है, और भाई एकदम मतलब हेल्दी है बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, देख लो। वो काट मत यार इतना। तो अब इसकी बारी है इसके नए घर में जाने की, चलो चलो भाई जाओ अपने नए घर में, जाओ जाओ जाओ, भग जाओ भग जाओ भग जाओ भग जाओ, चला गया गाइस ये अपने नए घर में। तो अपनी फीमेल भी इसके पास आ गई, अब देखते हैं इनकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है नहीं बनती। भाई डर रही है अभी तो इससे बहुत ज़्यादा, पर इसके मुकाबले में जो है ना इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अभी जो है ना इनको पानी चेंज कर देता हूँ, वो अपना जो परिंदा है ना मतलब धूप के अंदर आया, तो इसको जो है ना ठंडा पानी देता हूँ, पर शायद ये भी पानी ठंडा ही है, मतलब मम्मी ने जो है ना चेंज कर दिया होगा इसे। तो इसको बंद करके रख देते हैं अभी। तो गाइस शाम का टाइम है, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए बाहर। सो गाइस अब अपने परिंदों को बाहर निकालते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, और भाई से देख लो कितना प्यारा लग रहा है इसके साथ, मतलब इन दोनों का प्यार यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। तो अब देखना गाइस, अब देखो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। उस केज में तो बहुत ही ज़्यादा शांत सा था, और मतलब उस केज के अंदर इतने सारे जने रख रखे थे, तो इस वजह से जो है ना ये मतलब ऐसा हो रहा था, थोड़ा सुस्त था और थोड़ा थक भी रहा था बहुत ज़्यादा। और अब देखो यार दोनों को, यार मुझे तो यार ये बीमार सी लग रही है, हाँ शायद ऐसी लग रही है, पर कोई नहीं देखते हैं अभी इसको भी, मतलब थोड़ी सी हाँ शायद थोड़ी बीमार सी लग रही है। बाहर डाल के देखता हूँ कि नहीं नहीं भाई एक्टिव है, थोड़ी एक्टिव है भाई दोनों के दोनों। तो गाइस कल जो है ना इनके सारी की सारी सफाई करेंगे, मतलब ये जो सब इनकी मैट जो है सारी बाहर निकाल के पूरी सफाई करेंगे, और इनकी कटोरी वगैरह, और इनका मतलब केज भी मतलब साफ ही करेंगे सारा का सारा। तो भाई देख लो यार अपने परिंदे कितने सोने लग रहे हैं दोनों एक साथ। तो गाइस रात हो चुकी है और मैं घर पर आ चुका हूँ, तो भाई घर पर आते ही सबसे पहला काम अपनी जारा मैडम को खाना खिलाना। तो यहाँ देख लो आज जारा की रोटी आ चुकी है, बस अब आज हम इसको नॉर्मल रोटी देंगे और दही देंगे, बाकी और कुछ खाने पीने में नहीं देंगे, क्योंकि यार ये जो है ना खाना वाना नहीं खा रही, तो इस वजह से जो है ना इसको रोटी तो मैं 4 लिया, पर मम्मी बोली थी इसको 2 ही देना, क्योंकि यार खाने में बहुत ज़्यादा मतलब
परेशान कर दिया बहुत ज़्यादा, मतलब परेशान ऐसे यार, गर्मी मान ली है और इसका लीवर टोनिक भी स्टार्ट कर रखा था और उसको भी नहीं पी रही अब। ये जो है ना, इसके साथ ये दिक्कत है, ये ना बस दूध पीती है चाकर, तो भाई दूध के अंदर जो उसके लीवर टोनिक मिला देते हैं ना, तो यार फिर उसको पीती नहीं है, तो इसलिए जो है ना मम्मी इसको खाली दूध ही देती है बस, क्योंकि फिर ये कुछ खाती पीती भी नहीं, बस वही है। और बाकी जो है यार, जैसा आपको पता ही है गर्मी का सीजन चल रहा है, तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके डॉग भी खाना नहीं खा रहे, क्योंकि यार गर्मी में मोस्टली ऐसा होता ही है। और ये मतलब हमारे साथ नहीं है, सब भी मतलब स्ट्रीट डॉग के साथ भी यही प्रॉब्लम है भाई, वो भी नहीं खाना खा रहे, गर्मी लग रही है ना कि गर्मी ज़्यादा हो रही है यार, हमारा भी खाने पीने का मन नहीं करता, तो डॉग्स का कैसा करेगा। तो भाई अभी ज़्यादा घबराओ मत ना, अभी मतलब थोड़ा सा अभी दिन ठंड हो जाएंगे अगस्त के बाद सितंबर से, तो जब ये खाना पीना स्टार्ट करेंगे दोबारा एकदम। अब इसकी रोटी चूरता हूँ और फिर इसको खाना दूंगा। जा रहा भाई, डर लगता है जब मेरे हाथ में खाना होता है ना, तो उसके मुंह पे हाथ लगाने में बहुत डर लगता है जा रहा, क्योंकि यार उस टाइम पे जो है ना फूड एग्रेशन दिखाती है बहुत ज़्यादा, है नहीं जारू? देख लो, तुम्हें बहुत मासूम लग रही है कि ये प्रियो जो है ना बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती। तो हाँ जी गाइस, अपनी जारा मैडम का खाना लग चुका है, तो भाई देख लो कितनी एक्साइटेड है खाना खाने के लिए, खा ले। अब देख लो बस इसको नजर लग जाए, क्योंकि खाना खा रही है, वो कल शाम से ही शुरू हुई है खाना खाना, वरना तीन चार दिन से तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था मैडम ने। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड आप सभी को हमारा राम राम। और हाँ दोस्तों, जिस भी बंदे को पक्षी लेने हो, तो मैंने उन भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया, मतलब आप उनको फ़ोन कर सकते हो, और जो फ़ोन करना उनको मतलब वो बोल लेते हैं 9 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक ही करना यार, 9 बजे से पहले फ़ोन मत करना, कभी आप सुबह के टाइम ही फ़ोन करके बैठ जाओ फिर बोल यार मेरे तुम्हारे सब्सक्राइबर में परेशान करने हैं, तो भाई ऐसा मत करना, 9 बजे के बाद फ़ोन करना। और भाई जो भी पक्षी लो, मतलब आप जाओ वहाँ पर और आराम से पहले उनके पास आधा एक घंटा बैठो, उन्हें देखो प्यार से, और जो आपको मतलब जो आपको बर्ड सही लगे भाई, क्योंकि वहाँ पर जो ना बहुत सारे बर्ड हैं, और आपको जो सही लगे, जो एकदम हेल्दी हो, बीमार नहीं हो, पूरा एक्टिव हो, भाई आराम से देखो और उसे चूज़ करो और उसको ही लो, मतलब वैसे मत लेना। आप एक काम करना, या तो आप जो है यूट्यूब पर वीडियो देख कर जब जाना, मतलब जो आपको थोड़ी सी नॉलेज लेकर, जो आप पहली बार ले रहे हो तब जाना, या आपके कोई मोहल्ले या कोई पड़ोस में किसी को इस बारे में नॉलेज हो बर्ड्स के बारे में, उसको लेकर जाना, ऐसे ही मत चले जाना मुंह ठा करके भी, आप ऐसे चले जाओ और ऐसे कोई भी पैक करा के ले आओ, और फिर पता चले 2 दिन बाद आपके बर्ड्स मर गए, ऐसा मत करना। आप जो मतलब पूरी नॉलेज गेन करके जाना, किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को लेकर जाना। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।